बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेसिकली हमने पूरी बुक के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बेसिकली हमने जो है वो लैपटॉप की स्क्रीन पर जो है वो मतलब कि जो फिजिक्स की बुक है स्कॉलर सीरीज की उसकी PDF हमने जो है बना ली थी, ठीक है, जिसकी मदद से हम आपको क्वेश्चन देंगे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट, कौन सा लॉन्ग है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो ईच एंड एवरीथिंग हर चैप्टर की हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर आपको PDF चाहिए हो बुक की बुक की स्कॉलर सीरीज की, तो आप जो है वो हमसे हम नीचे जो है कमेंट सेक्शन में जो है या डिस्क्रिप्शन में हम बेसिकली अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, तो हम आपसे आप हमसे कॉन्टैक्ट करके की बुक भी हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बगैर टाइम को वेस्ट किया। तो बेसिकली हम जो है वो डिफरेंट टाइम स्लॉट बना लेंगे, तो हम जो है बेसिकली पूरी बुक की 6 to 7 वीडियो बना लेंगे जिसके अंदर हम पूरी बुक को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर नंबर 1 से। तो स्टार्ट करते हैं, तो हम जो है वो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में से हम जो है बेसिकली जो मैंने बुक खोली है ये सेकेंड ईयर की जो है वो जो है की बुक है, ठीक है, स्कॉलर सीरीज की। तो अगर किसी बच्चे को की बुक चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में जो है वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होगा, हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके हमसे की बुक की PDF मतलब ले सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम चैप्टर नंबर 1 में देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं जो लॉन्ग हैज़ वेल एज शॉर्ट और हैज़ वेल ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आएंगे, मीन जो ये वीडियो हम ला रहे हैं अगर आप इस वीडियो को कवर कर लिए तो इंशाल्लाह आपके 80 to 90% मार्क्स तो कहीं नहीं गए, ठीक है। तो जो है बेसिकली ये उन बच्चों के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा कि जिन्होंने मतलब कि पूरा साल तैयारी नहीं की तो आखिरी दिन चाहते हैं कि वो इतना कुछ कर सकें कि ताकि उनका क्लियर पेपर क्लियर हो सके और 60 to 70% मार्क्स आ सके, ठीक है। तो अगर आपने जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो कवर कर ली तो इंशाल्लाह आपके 80 to 90% मार्क्स आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर में 1 का, चैप्टर में 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में 1 का अगर नाम देखा जाए तो उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पहला टॉपिक है कूलम लॉ, ठीक है, कूलम लॉ क्वेश्चन में आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, तो इसको आपने कवर कर लेना है, ठीक है, कूलम लॉ को आपने कवर कर लेना है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये शॉर्ट में कुछ जा सकता है, ठीक है। तो कूलम लॉ का फार्मूला है इसको कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कूलम लॉ के बाद अगर हम मूव करें, ठीक है, तो जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसमें से ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। तो एक आपको टॉपिक होता है कूलम लॉ और दूसरा उसके बाद टॉपिक आपने कर लेना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला टॉपिक कूलम लॉ एंड सेकंड वन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जो टॉपिक बता रहे हैं दूसरे आपने कवर करना है चैप्टर में से, ठीक है। उसके बाद आपने टॉपिक को स्किप कर देना है। फिर अगर फर्दर मूव करें तो पहला टॉपिक मैंने होता है कूलम लॉ, दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और उसके बाद फर्दर मूव करें एप्लीकेशन आपने छोड़ दें बेशक, ठीक है। उसके बाद अगर फर्दर मूव करें तो इलेक्ट्रिक फ्लास्क काफ़ी पर क्वेश्चन है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लास्क को भी कर लेना है आपने शॉर्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद गाजिज ला कर लेना और एप्लीकेशन ऑफ गाजिज ला, ठीक है। काफ़ी बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गाजिज ला क्या होता है और एप्लीकेशन ऑफ गाजिज ला क्या है, ठीक है। तो ये आपने कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर मूव करिए तो इसकी 3 एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट शीट ये वाली भी, ठीक है, हालोस्फीयर वाली भी और चार्ज पार्टिकल वाली, ये तीनों एप्लीकेशन आपने कर लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद अगर फर्दर मूव करें तो आपने और कौन टॉपिक करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यानी इलेक्ट्रिक एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको भी आपने कवर कर लेना है, ठीक है। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको भी आपने कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एक रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन था वो मैं ढूंढता हूँ, अगर मिल गया तो मैं आपको बताता हूँ कि रिलेशनशिप विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस वाला क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी आपने करना है। मैं यहाँ पर आपको ढूंढ के बताता हूँ किधर है वो क्वेश्चन। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर ये जो 15 है स्कॉलर सीरीज क्वेश्चन में 15 लिखा हुआ, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये भी आपने कवर कर लेना है, ठीक है। तो अगर चैप्टर की बात की है तो चैप्टर के अंदर मैंने आपको अगर टोटल चैप्टर की बात की जाए, ठीक है, पहले इनको पूरे कवर कर लेते हैं फिर आपको बता दूँगा कि टोटल चैप्टर में से आपने क्या क्या करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर नहीं करना, उसके बाद आपने करना है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है और शॉर्ट में भी आता है। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर कर लेना है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कैपेसिटर कब फुली चार्ज होता है, जब 63.2% होता है या 0.63, और उसके बाद कैपेसिटर कब डिस्चार्ज होता है, जब उसमें 0.36 वाट होते हैं या 36 होती है, ठीक है, तो वो फुली डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसी के लिए चैप्टर को पूरा चैप्टर कवर करने के बाद अगर बात की जाए तो मैंने आपको 5-6 टॉपिक आपको बताए, कूलम लॉ, ठीक है, एक कूलम लॉ हो गया, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो हो गया, उसके बाद
करेक्टरिस्टिक ऑफ मतलब कि एक कूलम ला कर लिया, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, और तीसरा प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, तीन क्वेश्चन हो गए। फिर गाजेज़ लॉ और गाजेज़ लॉ की एप्लीकेशन, चार क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके अगर फर्दर मूव करें, ठीक है, तो वो चार क्वेश्चन करने के बाद आपने नेक्स्ट पे मूव करें तो आपने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो कर लेना है, तो पाँच क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और लास्ट में चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर, और एक वो क्वेश्चन आपको बताया था कि हाउ ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइडेड बाई डेल आर, ठीक है, वो उसका प्रूफ आपने कर लेना है, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला। तो चैप्टर की बात कीजिए तो कूलम लॉ, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, और गाजेज़ लॉ और गाजेज़ लॉ की एप्लीकेशन, तीन क्वेश्चन हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइडेड बाई डेल आर, छः, और लास्ट में कूलम लॉ की एप्लीकेशन, सॉरी कूलम लॉ की चार्जिंग डिस्चार्जिंग ये कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर फर्दर मूव करें मतलब एक्सरसाइज क्वेश्चन में से कौन कौन सा क्वेश्चन आपने कर लेना, ठीक है, जो पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको डील किया जाए तो हमारे पास जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में से आपने कौन कौन सा क्वेश्चन कर लेना है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में से आपने करना है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वन क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, ठीक है, ये आपको सामने लिखा हो भी, अगर आपको आंसर नहीं मिलता तो ये बड़ा सूटेबल आंसर है, इसको आपने कर लेना है, ठीक है, या तो हमें जो है वो नीचे व्हाट्सएप का नंबर होगा उसे हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके आप हमसे की बुक ले लेना इसकी पीडीएफ में। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर वन करना है, टू करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव करना है ये वाला, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन एंड क्वेश्चन नंबर नाइन, सेवन एट नाइन टेन। तो अब आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात कीजिए, वन टू फाइव सेवन नाइन टेन, ये क्वेश्चन आपने लास्ट में कवर कर लेने हैं। तो बेसिकली इसमें एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो एक्सरसाइज में इस बुक में नहीं है, जो पिंडी बोर्ड की थी उस बुक में था, कि हाउ कैन मतलब कि कैन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्रॉस इच अदर, अगर क्रॉस इच अदर कर सकते तो फिर डिफरेंट ही आंसर। तो ये क्वेश्चन आपने कवर कर लेना है, ठीक है, जिसका आंसर था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नेवर क्रॉस इच अदर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, तो उसकी एक डायरेक्शन होती है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस इच अदर दे हैव मोर देन वन डायमेंशन विच इज अ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये उसका आंसर था। तो बेसिकली वो क्वेश्चन भी आपने कवर कर लेना, ठीक है। तो अगर मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात करूँ तो मैंने आपको बताया वन कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर वन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर टू, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर फाइव, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर सेवन एंड नाइन और टेन। उसके अलावा मैंने आपको एक क्वेश्चन खुद से दिया कि कैन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन क्रॉस इच अदर, इफ क्रॉस इच अदर देन डिफेंड योर आंसर, इफ नॉट देन आल्सो डिफेंड योर आंसर, ठीक है, तो वो भी आपने कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आपने कौन कौन सा करना है, तो इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर वन, ठीक है, कूलम लॉ की ये कर लेनी है, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर थ्री, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ जा सकती है, तो इसको भी आपने कवर कर लेना है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर वन एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर थ्री, इसको आपने कवर कर लेना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जाम 2023 के सेकेंड एनुअल एज वेल एज 2024 के फाइनल एग्जाम की तरफ, ठीक है। तो बेसिकली उसके बाद हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर टू की तरफ। तो चैप्टर नंबर टू जो है उसके साथ देखा जाए तो चैप्टर नंबर टू का नाम क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो बेसिकली अगर उसको डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।